Okay, so this is front view of the patient. अभी this is gynecomastia और not this is pseudo और this is true gynecomastia, ये कुछ भी फोटो वीडियो देख के नहीं लगता है, पेशेंट खुद अपने से फील कर सकता है. सो फीलिंग करेंगे, टफनेस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट. सो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट जब बढ़ता है तो वो gynecomastia ही होता है. फैट भी होता है तो भी पेशेंट सर्जरी इसलिए करवाते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं होते इस अपीयरेंस से. ये जो होता है अपीयरेंस, इससे पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते. सो हम लोग पेशेंट को जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको बोलते हैं साइड व्यू में प्रोजेक्शन दिखाओ. सो जब प्रोजेक्शन होता है साइड व्यू में, ये पेशेंट को प्रॉब्लम करता है. दिस इज पेशेंट्स अपीयरेंस बिफोर सर्जरी. हाउ ओल्ड आर यू? 24. ओके, पेशेंट एज इज 24. ओके, सो दिस इज ग्लैंड जो कि आपको फील होती है. सो विद वेरी स्मॉल इंसिजन यहाँ से ग्लैंड पूरे निकाल दिए. दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो कम्प्लीट ग्लैंड रिमूव. थोड़ा दूर से दिखा ना. सो ग्लैंड फ्रॉम द राइट साइड, ग्लैंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दोनों निकाल दिए. ओके, सो दिस इज बिफोर सर्जरी. पेशेंट को लेफ्ट साइड में बड़ा, राइट साइड में छोटा था. एंड दिस इज आफ्टर 24 आवर्स या नेक्स्ट डे. निशान देखेंगे. सो निशान बिल्कुल भी नहीं है, बट स्किन थोड़ी रिलैक्स है. अच्छा, ये जो स्टेनिंग होती है ये सब नॉर्मल है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये चल जाती है. फॉलोअप पिक्चर में देखेंगे जो कुछ भी है दिखाई पड़ती है. सो जो पहले इतना था अभी ऐसा हो गया है. अभी 15 दिन में कितनी टाइटनेस आएगी? चलो हाथ ऊपर करो. ओके, फर्स्ट क्लास. क्या सो 15 डेज में ना क्या होएगा? एक तो ये स्टेनिंग चल जाएगी और ये इतनी टाइटनेस हो जाएगी. सो जो पहले ऐसा था वो पूरा निकल गया. यहाँ से ग्लैंड और फैट पूरा यहाँ पे होता है जो निकल गया है, यहाँ पे होता है जो निकल गया. निशान देखेंगे, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. सो ये दिखाई भी नहीं पड़ता है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, दिखाई भी नहीं पड़ता है. चलो टर्न वन साइड. दिस वॉज साइड व्यू बिफोर, दिस इज नॉट, नो प्रोजेक्शन. पहले एंगल था, ह्यूज एंगल था यहाँ पर, और अभी कुछ भी नहीं है. चलो टर्न अदर साइड प्लीज. दिस वॉज अदर साइड का व्यू एंड दिस इज नॉट फ्रंट मैटर. सो पेशेंट इज फ्रॉम मुंबई. उनको जब दिखा दिया कि वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्सअप करना है. ओके, सो विद वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शन पेशेंट कैन गो होम. और उनको कंप्रेशन मेंटेन रखना है. पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट हम लोग ग्लैंड एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालेंगे. ओके, पेशेंट के फॉलोअप पिक्चर लोग डालते हैं ग्लैंड एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे. सो यहाँ पे जो पिंड पोस्ट होती है ऊपर वाली, ये 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, ये 6 मंथ बाद का, ये 1 ईयर बाद का. इसके साथ में यहाँ फॉलोअप सेक्शन है, यहाँ पे और भी पुराने पेशेंट्स है वो आप देख सकते हो. बाकी पेशेंट के रिजल्ट है 15 डेज बाद के, और भी बहुत से रिजल्ट्स हैं यहाँ पे. सारे रिजल्ट जो है गायनेकोमेस्टिया अकाउंट ग्लैंड एंड फैट पे आप आराम से देख सकते हो. आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा रिजल्ट्स के बारे में. सो दिस इज अकाउंट ग्लैंड एंड फैट फॉर फॉलोअप पिक्चर्स. ये पेशेंट के भी फॉलोअप पिक्चर्स होंगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ, तो हम लोग यहीं पे देखेंगे. इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं. सो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. ओके, दिस वॉज 15 जून का पोस्ट है. So this was before surgery next day. Before surgery next day, before surgery next day. ये patient का पहले का था जिसमें left side was bigger than the right side. And this is after 40 days approximately. 40 दिन हो गए. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ से देखूँगा और ऐसे टैप करूँगा, सो दिस मच इज द फ्लूड, क्या ये निकालना चाहिए? आंसर है नहीं, इतना एब्जॉर्ब हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, ये जो निप्पल में पिगमेंटेशन का इश्यू है ये नॉर्मल हो जाएगा. सो पहले ये ज़्यादा था, मैंने पेशेंट को बोला था कि डोंट वरी, ये पिगमेंटेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, डेफिनेटली धीरे धीरे और कम हो गया. पहले इस पर ज़्यादा था, अभी कम हो गया. सो या ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक मोस्टली जो पिगमेंटेशन का ऐसा लग रहा है ना, जब पैच कम हुआ है, ये नॉर्मल हो जाएगा. सो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है. सो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है. एक तो इतना फ्लूड एक बार टैप करना है वहाँ पे, राइट, इतना फ्लूड है उसको नहीं निकालना है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है. और अदर थिंग, दिस पिगमेंटेशन, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है. अगर मैं साइड व्यू में देखूंगा, एक बार टर्न करना साइड व्यू में, सो पहले ह्यूज प्रोजेक्शन था पेशेंट को, अब प्रोजेक्शन बिल्कुल चला गया है. सो ये उनका नेचुरल जो चेस्ट का आउटलाइन होता है, जहाँ पे कि चेस्ट की ये पेक्टोरल मसल, ये पेक्टोरल मसल, ये बल्कि मसल, ये है, राइट. अदर साइड एक बार, दिस साइड, अदर साइड ऑल्सो जो चेस्ट का नेचुरल आउटलाइन है वो है. दिस इज बल्कि पेक्टोरल मसल, लिटिल बिट फ्लूड, जिसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा रिमूवल फ्रंट में जाओ, इतना तो बॉडी खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है. सो दिस इज पेशेंट रिजल्ट आफ्टर 40 डेज. 40 डेज.